Hi everyone, today we are going to learn about the recursive auto pitch fork which we have found from this indicator box and editor speak जो हम always आपके लिए check करते रहते हैं. तो जो हमें मिला है टॉप पे recursive auto pitch fork, आप भी मेरी तरह favorite में उसे कर दीजिए add. अभी चलिए देखते हैं इसके benefit क्या है. ये बहुत ही अच्छा indicator बनाया है जहाँ पे auto pitch fork है, यानी आपको draw करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो वीडियो है हम ब्लैक बैकग्राउंड में बना रहे हैं क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में आपको बहुत ही लाइट दिखेगा. आपको इवन आप अपने जब भी आप भी अप्लाई कर रहे हो देखो, ये आपको व्हाइट बैकग्राउंड में कैची नहीं है, तो ब्लैक बैकग्राउंड जो है जिसमें आपको क्लियर दिखेगा. अभी वैन एवर यू गो टू ड्रॉ द पिच फॉर्क, आपको यहाँ पे पॉइंट ए बी और सी कैच करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो ये ऑटोमेटेड हमने अभी किया है, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. यहाँ पे इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये है निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट. तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेडन लाइन है उसके आजू बाजू में ही है, लेकिन ओवरऑल डाउनवर्ड पिच फॉर्क है, तो ट्रेंड इसका है अभी फिलहाल नेगेटिव. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडन लाइन पे ही हाई क्रॉस हुआ है, तो आप इसे एज अ रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हो. तो ये ब्रेक होने के बाद द हाई इज 17554, आपको यहाँ तक की रैली मिल सकती है. चलिए अभी देखते हैं, कई बार मेजर ट्रेंड भी हमें एडवांस में बता देता है. वीकली चार्ट की बात करें तो वहाँ पर ट्रेंड अभी भी अप है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है. जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती है वीकली पे नेगेटिव ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मंथली पे पिक्चर बहुत ही हॉरिबल है. आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ये पिच फॉक के बाद ये पतली चैनल में चल रहा था, लेकिन अभी नाउ इट हैड ब्रोकन दैट चैनल और उसके बाहर एक क्लोज आया है. अभी ये देखते हैं, फरवरी में भी कोई वक्त है नहीं ज़्यादा, तो इसमें भी अगर ये बाहर क्लोज दे देता है तो चांसेस नीचे की ओर है. लेकिन यहाँ पे कोई भी एक क्लोज ऊपर आए, यानी कि मार्च में थोड़ा रिएक्शन ले उसके बाद ब्रेक हो तो अच्छी बात है, पर फिलहाल के लिए ये गुड साइन नहीं है कि चैनल के बाहर ट्रेड कर रहा है. राइट, ये दिस इज़ अबाउट द निफ्टी फ्यूचर जहाँ पर हमने डेली वीकली मंथली तीनों देखे विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर. नाउ टाइम टू गो विद बैंक निफ्टी. चलिए बैंक निफ्टी में भी स्टार्ट करते हैं सेम वे डेली चार्ट से. डेली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि डाउन ट्रेंड पिच फॉक में ही चल रहा है, कोई खास उसमें मूवमेंट नहीं दिख रही है. आप चाहो तो चार्ट ऐसे कर सकते हो बड़ा. यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा पिच फॉक भी आपको दिख जाएंगे. यहाँ भी ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे दिख रही है, तो बैंक निफ्टी को ये लाइन पहले ब्रेक करनी होगी. राइट, नाउ टाइम टू मूव ऑन द वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या है सिचुएशन. वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे उसने कवर किया हुआ है. पिच फॉक के बाहर अच्छी मूवमेंट आ रही थी, लेकिन अभी वो अंदर के एरिया में आ चुका है, तो यहाँ तक आने की गुंजाइश है फिलहाल. और ऊपर के लिए ये लाइन उसे ब्रेक करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये जिगजैग हो जाता है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है. फिर चलते हैं मंथली में. मंथली में भी आप देख सकते हो कि वो उसने पिच फॉक के अंदर ही क्लोज दे दिया है दोस्तों. राइट, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही बढ़िया है. आप देखिए अदानी स्टॉक्स में भी, चलिए अदानी में देखते हैं डेली चार्ट पे. अदानी में वो ड्रॉ नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं, हो सकता है निफ्टी बैंक. यहाँ पे अदानी ग्रीन में ड्रॉ किया है क्योंकि टोटल गैस में तो मौका ही नहीं दिया, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला था डाउन साइड अदानी ग्रीन एनर्जी. फिर अदानी ट्रांसमिशन में भी देखिए पिच फॉक के बाहर चला गया, और जब भी डाउनवर्ड पिच फॉक में अगर नीचे की लाइन के नीचे क्लोज दे तो स्मूथ मूवमेंट डाउन साइड आती है. अदानी पावर में भी आप देख सकते हो अभी फिलहाल पिच फॉक के इनसाइड है. एनडीटीवी में सेम आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है. अदानी बिल्मर में भी सेम है, सब रिलेटिव्स ही है अभी फिलहाल. अदानी एंटरप्राइज में देखिए, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों पिच फॉक के अंदर तो नहीं जा रहा है लेकिन पिच फॉक की ऊपर वाली लाइन पे ही चल रहा है अभी, लेकिन है अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में. अंबुजा सीमेंट में साइडवे कह सकते हैं, डाउन ट्रेंड चैनल के बाहर निकल चुका है, पर कुछ खास नहीं है. अपवर्ड चैनल में होना बहुत ज़रूरी है, सब डाउनवर्ड में है. इवन ACC2 अदानी बॉडी चैनल के बाहर है, लेकिन जब तक अपवर्ड चैनल ड्रॉ नहीं होती है तब तक अप ट्रेंड के बारे में सोचना मुश्किल है. तो रहा दोस्तों ये ब्यूटीफुल इंडिकेटर आप लोगों के लिए, तो नए नए ऐसे इंडिकेटर्स लाएंगे आपके लिए. फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस.